तो भाई कट्टे खा लिए हमने सालों ने। अभी कहानी हुआ क्या वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, लेकिन बस ये जान लो अभी किलो के एजेंट हैं। सीन यार यहाँ का, अरे सूर्या गलती हो गई, तुझे पता है ये सब मेरी एक आवाज पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि गांव मेरा और मैं इस गांव का क्या काम सीख रहे। अरे भाई सॉरी गलती होगी ना, चूते तो बोला था, इतना क्या भड़कने की बात है। बच्चे को डराते हैं ये लोग, सारे सारे मिलके मेरे को मारते हैं, चीटिंग करता है शिवाजीराव सिंह। मैं जा दे रहा, मैं सही डाल देगा ऐसे गांड में। अरे भाई जा रहे लाए ना, चलो भाई शांति से। तो भाई मैं तुम्हें अभी बताऊं हुआ क्या था। अभी भाई हम उस लोंडे को बचाने के बारे में बात कर रहे थे कि मतलब हम आंटी से कैसे बचाएंगे। तो भाई हमने मतलब जो हमारे डच भैया हैं उन्होंने ये कही थी कि उन्होंने मतलब हमें डराने के लिए उठाया उस लोंडे को। तो भाई वो उसे मारने तो नहीं वाले, जो यहाँ पे सीन हुआ उसके बारे में उन्हें अभी पता नहीं कि क्या हो गया, वो शायद मरमरा भी गए, क्या सीन हो गया। तो क्या है, अगर मतलब हम कुछ ऐसा करें कि अभी हम उस लोंडे को ढूंढने जावें तो हो सके कि हमें वो मिल जा। तो एक सेकेंड हमें थोड़ा सा ड्राइविंग पे भी ध्यान देना। तो भाई उसी बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम उसे कैसे ढूंढ सकें, कैसे वापस ला सकें। तभी भाई यो आगे एजेंट की है, डिटेक्टिव एजेंसी के आदमी है, तो भाई हमें कहीं भी ढूंढ लेंगे। मुझे पता था भाई यहाँ भी ढूंढने वाले, लेकिन भाई मैं इसलिए खुश था क्योंकि यहाँ का लो हमारे साथ था, लेकिन अब लो भी हमारे साथ में नहीं है। और हो सकता है कि इन्होंने खबर करी हो उन्हें भी कि भैया हम इन सबको लूटने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि भाई ने हमारे नाम वाम हर चीज़ पता है भाई ने हमारे बारे में, क्योंकि डिटेक्टिव लोग हैं ये हर चीज़ पता लगा लें। तो भाई अब इन्होंने ये कही कि लेकिन हम तुमसे एक डील करने आए कि तुम यहाँ से कहीं दूर जाके और इंसानों की तरह रहना शुरू कर दो, मतलब लोगों के हिसाब से रहना शुरू कर दो। इनके हिसाब से ये था कि लोग जैसे लोग हुए उसके हिसाब से रहना शुरू कर दो और यहाँ से दूर कहीं जाके, और हम मतलब तुम्हारा पीछा नहीं करने के वहाँ पे। देखो यार रोड शो ने भी हम हथियार निकाल सकें। हाँ तो मतलब हम वहाँ पे तुम्हारा पीछा नहीं करने वाले और आराम से वहाँ पे जाके रहियो, लेकिन भाई अगर तुमने वहाँ पे कुछ हरकत करी तो फिर हम तुम्हें छोड़ने नहीं। और यहाँ पे मैं अगली बार जब आऊँगा तो 50 आदमियों के साथ आऊँगा, वो सारे के सारे तुम्हें ठोक देंगे। और मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि डच को तो हम अपने साथ में ले जाएं, डच भाई हमारा लीडर है, तो उसने कही कि बस हम डच को अपने साथ में ले जाएंगे और बाकी तुम सारे यहाँ से जाकर कहीं और रहना शुरू कर दो। और भाई ये सारी लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी सब छोड़ दो किसी टाउन वाउन में यहाँ से दूर, और नहीं तो 3 दिन है तुम्हारे पास मेरे से बचने के लिए। और फिर भाई मैं क्या कहते हैं अपने आप इसे डच को भी ले जाऊंगा, मतलब हमारे यहाँ 50 आदमी आएंगे, तुम सारे के सारे मारे जाओगे। तो भाई अभी हमारे पे एक तो टेंशन थी उस लोंडे खोने की, ऊपर से भाई अब ये भी टेंशन होगी कि अब क्या करेंगे हम। तो अभी डच भैया ने कही कि हमें यहाँ से भी निकलना पड़ेगा, हम तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मतलब सबको टीम में बांट दिया डच भैया ने, काम दे दिए कि कुछ लोग तो उनका पीछा करो कि वो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से अभी दूर हुए या नहीं हुए। और भाई हमें जहाँ तक डच भैया ने लैनी के पीछे भेजा है, जहाँ पे मतलब लोकेशन दी थी उन्होंने कि वो किसी बोट वोट में होगा, मतलब जहाँ भी जाने के लिए बताया था उसने सची ने। और बाकी अभी हम वहाँ पहुँच भी गए और बाकी लोगों से कही कि भैया अपनी पैकिंग वैकिंग करो, क्योंकि हमारे पैंथर भैया को किसी जगह के बारे में पता था जहाँ पे हम आराम से शांति से रह सकें, छुप सकें थोड़े बहुत दिन के लिए। चलो यार घोड़ा छोड़ के अब चले वहाँ को, घड़ी लंबी बात होगी। तो भाई सबने हथियार हथियार से निकाले थे क्योंकि डच भैया ने एकदम से कही थी कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। एक सेकंड, सारे कट्टे अटके अटकने वाले कट्टे नहीं इस्तेमाल करते, नहीं तो ऐसे गिर गिर के मरते हैं। हाँ, एक और बड़े मरे हुए भी पेल दिस साले में, क्योंकि यार वही कमी नहीं है भैया अपने पैर, ऊपर जाके देखना पड़ेगा अब, ऊपर वाले फ्लोर पे तो ना है समीर। चला साले चला ना गोली चला, डरता कहे कुए है, अपने पे तो बहुत ऐमो आ रही है, हट साले। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम अभी शिफ्ट हुए हैं, इसलिए आए थे हम यहाँ। मैंने सोची उसका लोंडा है, मतलब लोंडा है इसका यहाँ टच का, तो यहाँ से हम देखेंगे उसे ढूंढने के बारे में। अभी तो हम इस जगह पे आए हैं और हमने इसीलिए सारी बॉडी बॉडी हटाई है यहाँ से कि जिससे कि मतलब जो हमारे लोग हैं ना वो यहाँ पे आराम से रह रुआ सकें। तो हमने सारी बॉडी भाई पानी में फेंक दी। तो भाई अभी हम कोई पास का शहर ढूंढने आए हैं। अब भाई एक सेकंड यार, ये वो नहीं लगली लेस्टर की फैक्ट्री जो अभी अभी 2 सेकंड पहले फ्लैश हुई थी बिल्डिंग में, वो नहीं थी जो GTA 5 में लेस्टर की फैक्ट्री है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे वो सिलाई विलाई करवावे, वो जगह नहीं लग रही थी। ओ भाई तो इसे हमारे डच भैया और ये सब लोग फ्यूचर कह रहे हैं अपना, और हो गया अगला चैप्टर शुरू। अब भाई और भी मज़ा आएगा।
भाई चैप्टर 1 में तो कुछ था नहीं खास, मतलब बर्फ बर्फ वाले इलाके में भग रहे थे। अब भाई फिर हम यहाँ आ गए थे वैलेंटाइन की साइड में, यहाँ भाई घोड़े बहुत मरे यार मेरे, मुझे बहुत बुरा लगा, ऊपर से गिर गिर के मरे यार, मुझे बहुत ही बुरा लगा। लेकिन फिर उसके बाद में आ गए थे भाई हम अपना इधर की साइड में काफ़ी, यहाँ पे तो भाई हमें काफ़ी मज़ा आया। लेकिन भाई उन्होंने एजेंटों ने सारा काम ख़राब कर दिया, शायद से उन्होंने बताया शेफ लोगों को कि हम ये उन्हें लूटना चाह रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, अब भाई नए शहर में आ गए, ये है कोई सिटी बड़ी सी फ्यूचर जिस हमारे डच भैया कह रहे हैं। देखियो यार चाहो तो भाई बिल्डिंग ही बिल्डिंग हंगी। ओ भाई यार बढ़िया जी गए यार सही में, ऐसा जैसे लॉस सैंटोस का मतलब वो वाला इलाका हो जो उनसा, मतलब लॉस सैंटोस जैसा लग रहा है काफ़ी कुछ सही बताऊँ तो। भाई चलो कोई नहीं, चैप्टर 4 शुरू हो गया यार, अब और भी मज़ा आएगा भाई। मैं भाई सही बताऊँ एजेंटों ने काम खराब कर दिया, तो हमने लूटपाट के निकल लेते क्योंकि हमें पैसे की तो काफ़ी की जरूरत है अभी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे रुक जाओ, यो है रेल का ट्रैक भाई, यहाँ तो ट्रैम भी चला है यार, GTA 5 वाली ट्रैम भी चला है यहाँ पे तो। ओ भाई देखियो आप बिल्कुल वो नहीं है जैसे सड़क के बीच में वहाँ पे वो रहा है यार, ने भाई बिल्कुल ये GTA 5 का लॉस सैंटोस वाला इलाका लग रहा भाई, जो मेन सिटी है क्या पता वो इलाका हो। तो चैप्टर 4 को कल से कंटिन्यू करेंगे, कल से करेंगे इसके साथ मिशन चैप्टर 4 के। मजा आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में। अबे यार ट्रैम वाले रोकते नहीं आदमी को देख के, एक सेकंड वे वांटेड कैसे हो गया मैं, अबे पागल है क्या लोग।